CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त। किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला, अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें। अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं। हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़। इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा। बिल्कुल सही कहा अटकू। इसे काटो। भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल। अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला, अरे अरे रुको 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 रुको, काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें, छाया दूंगा तुम्हें मैं। अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं। हाँ अटकू चल आगे चलते हैं। जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे, अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़। अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ। वो उसे काटने लगे। काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें, तुम्हें मैं कटहल दूंगा। अच्छा ठीक है चलो अटकू आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं। ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़। अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे। अरे वाह अटकू मटकू, जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
पेड़ हमारे दोस्त हैं। जीवन में हरियाली लाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। पेड़ हमारे दोस्त, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आभार अजीत होरो, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और शानु मुक्सीम, निर्देशन ध्वनि संपादन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम सार्ड के सौजन्य से CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत किया गया।